तारीख 19 मार्च 2007, 90वें एक दिवसीय विश्व कप का 12वां मैच भारत बनाम बरमूडा वेस्टइंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा था। भारतीय पारी की 7वीं गेंद पर रॉबिन उथप्पा के बैट से बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप में खड़े डेन लेवरॉक के हाथों में गई। कैच पकड़ने की खुशी में 130 किलो के लेवरॉक ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। भारत ने सहवाग, गांगुली, युवराज और सचिन की पारियों के चलते मैच आसानी से जीत लिया, लेकिन टेलीविजन मीडिया से लेकर अखबारों तक में लेवरॉक के कैच का जिक्र भारत की जीत से ज्यादा था, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आपको फिट शरीर के साथ रफ्तार और लचीलापन चाहिए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारी भरकम और अनफिट शरीर के साथ मैदान पर टिक पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के जज्बे के सामने क्रिकेट पंडितों के सभी आकलन और आंकड़े फेल हो जाते हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के माउंटेन मैन रहकीम कॉर्नवाल। वही रहकीम कॉर्नवाल जिनके चयन पर विशेषज्ञों ने कहा था वेस्टइंडीज में अब खिलाड़ियों की कमी साफ नजर आ रही है। वही रहकीम कॉर्नवाल जिन्होंने शरीर के नाम पर उठने वाले सभी सवालों के जवाब अपने प्रदर्शन से दिए। तो चलिए दोस्तों, नारा टीवी की श्रृंखला राइजिंग स्टार्स के आज के इस एपिसोड में रूबरू होते हैं रहकीम कॉर्नवाल से। रहकीम कॉर्नवाल का जन्म 1 फरवरी 1993 को लीवार्ड आइलैंड में हुआ था। लीवार्ड आइलैंड ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को इतिहास के महानतम खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें खास तौर पर विव रिचर्ड्स, कर्टली एम्ब्रोज, एंडी रॉबर्ट्स और रिची रिचर्डसन का नाम आता है। साथ ही वर्तमान तक लीवार्ड आइलैंड से वेस्टइंडीज क्रिकेट इतिहास के 4 कप्तान भी निकल चुके हैं। क्रिकेट की धनी सभ्यता वाले क्षेत्र से आने के कारण रहकीम कॉर्नवाल को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रिकेट के प्रति रहकीम की रुचि बढ़ने लगी, लेकिन रहकीम के सामने समस्या थी उनका बढ़ता वजन, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में फिटनेस खेल का पैमाना होती है। लेकिन रहकीम ने वजन को कम करने से ज्यादा खेल को सुधारने पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा रहा स्थानीय टूर्नामेंट में रहकीम का बेहतर होता प्रदर्शन। साल 2011 में रहकीम ने लीवार्ड आइलैंड के लिए अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। 6 फुट 6 इंच लंबे रहकीम कॉर्नवाल एक दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। रहकीम के पास गेंद को सही ठिकाने पर फेंकने की काबिलियत के साथ कई घंटों तक लगातार स्पेल करते रहने का दम है। साथ ही करीब 145 किलो के रहकीम कॉर्नवाल मौका मिलने पर अपने बल्ले से धुआंधार रन बरसाने का हुनर रखते हैं। रहकीम कॉर्नवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नजरों में साल 2016 में पहली बार नजर आए। रहकीम ने भारत के विरुद्ध वेस्टइंडीज बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की ओर से खेलते हुए 5 विकेट प्राप्त किए और साथ ही सबसे अधिक 41 रन भी बनाए। प्राप्त किए गए विकेटों में विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे स्पिन के तगड़े बल्लेबाजों के नाम शामिल थे। रहकीम ने इस प्रदर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले कुछ फर्स्ट क्लास मैचों में रहकीम ने अपनी ऑफ स्पिन का कमाल दिखाते हुए करिश्माई प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2016 के अंत में रहकीम का चयन श्रीलंका जाने वाली वेस्टइंडीज ए टीम में हो गया। रहकीम ने श्रीलंका में 3 अनौपचारिक टेस्ट मैचों में बल्ले से निराश किया, लेकिन 20.20 की आश्चर्यजनक औसत से 23 विकेट अपने नाम किए। अब रहकीम कॉर्नवाल वेस्टइंडीज आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलने वाली टीम का हिस्सा जरूर होते हैं। उस दौरान ही रहकीम कॉर्नवाल ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया स्टार्स की ओर से खेलते हुए अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर कई मैच जिताए। रहकीम कॉर्नवाल का प्रदर्शन साल दर साल बेहतरीन होता जा रहा था। रहकीम ने साल 2018-19 घरेलू सत्र में 17.7 की लाजवाब औसत से 54 विकेट प्राप्त किए, मगर इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी वेस्टइंडीज आने वाले इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए रहकीम का चयन नहीं हुआ। जब चयन समिति के चेयरमैन कार्टनी ब्राउन से रहकीम के चयन को लेकर सवाल किया गया तो ब्राउन ने कहा वो खिलाड़ी अच्छा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।